हेलो गाइस, व्हाट्स अप, देयर हियर विद अ न्यू व्लॉग। गाइस आज हम आए हैं शिमला पहाड़ी एप्टावाद। यहाँ पे पार्क है जिसको कहते हैं शिमला पहाड़ी पार्क, और शिमला पार्क भी यहाँ पर इसको कहते हैं। ये यहाँ एक पहाड़ी है जिसका नाम शिमला है, इंडिया की तरह की है, और बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, और हम यहीं पर अभी मौजूद हैं। और यहाँ नीचे बहुत अच्छा व्यू है, पूरा एप्टावाद नज़र आ रहा है। अगर आपने मेरा गांव वाला ब्लॉग देखा होगा, उसमें हम एक टनल से गुजरे थे, वो टनल एप्टावाद की थी, वो टनल एप्टावाद की थी। तो ये वही वाली जगह है जिसकी वो टनल थी, जिससे वो क्रॉस करते हैं। तो अभी हम यहीं पे मौजूद हैं, और यहाँ पे सारा दरख्त, पहाड़, सब कुछ यहाँ पे है, और हम अभी मजे कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, झूले हैं बच्चों के लिए, और बहुत कुछ है यहाँ पर। आज आप और आप यहाँ पे आप अकेले भी आ सकते हैं, अगर आपको स्ट्रेस फील करना है। यहाँ पे घूमने फिरने की जगह, झूले वगैरह, इधर बहुत बड़ी स्लाइड है, तो हम आपको दिखाएंगे, जाते जाते दिखाएंगे। और यहाँ पे सारा यहाँ बड़ा जंगल एप्टावाद। शुरू गाइस, अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ पर ये सीन है, यहाँ लोग अपने बैठ के फोटोग्राफी करते हैं। मैंने भी बहुत निकाली है, एक वीडियो मैंने बनाई है, और वो मैंने यूट्यूब पे देखी थी, यूवा स्मार्ट मेकर, उन्होंने मुझे हेल्प की उसको बनाने में। और वो शूट आई थी वीडियो है, वो आपको इंस्टाग्राम पर कल या परसों तक देखने को मिल जाएगी। तो आए हम आगे। यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं ये बड़ी बड़ी है, बहुत बड़ी है। यहाँ पर लोग यहाँ पे घूमने फिरने, वॉकिंग, या फिर लोग यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा खाने भी आते हैं। और हम यहाँ पे वॉकिंग और घूमने फिरने आए हुए हैं। हम वैसे मेरा दूसरा विजिट है यहाँ पर, एक हम आया था, उसमें कितना कुछ था नहीं, अब मैं दोबारा आया हूँ। गाइस यहाँ पे एनिमल केजेज हैं, यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनको खाना नहीं दिया गया, और वो ऐसे ही पड़े पड़े मर गए। पर यहाँ पे एनिमल केजेज हैं, इसके अंदर बर्ड्स हैं, ये एक छोटा सा जू टाइप का है, इन्होंने अपने लिए बनाया हुआ है, इसका भी रास्ता जाता है। और गाइस यहाँ पे ये बैठने की जगह है, और यहाँ पे अगर आप बैठते हैं तो आपको यहाँ से सारा जंगल नज़र आएगा, और यही जो रास्ते हैं यहाँ से लोग बैठ के ऐसे बैठ के सारा जंगल देखते हैं, सारा इनका एनिमल देखते हैं। आज धूप अच्छी हो रखी है इसलिए हम आए हैं। और यहाँ पे वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे बेकिंग है, यहाँ पर अगर आपको बारबेक्यू करना है तो आप यहाँ पे आके बारबेक्यू भी कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे प्ले एरिया है, जिस तरह मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक प्ले एरिया है, ये पूरा यहाँ पे एक प्ले एरिया बना हुआ है बच्चों के लिए, ताकि आप यहाँ पे मज़े कर सकें। यहाँ पर बहुत से लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर मज़े कर रहे हैं, आप भी आएँ, आप भी मज़े करें। गाइस यहाँ पर शूटिंग चल रही है, आप यहाँ पर शूटिंग कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, गन्स हैं, आप इधर खड़े होकर शूटिंग कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे बहुत सी खाने पीने की जगह, और यहाँ पे बैठने की जगह, अगर आप कुछ खाने पीने के लिए जाते हो और आपको भूख लगी, आप यहाँ बैठ सकते हैं। बारबेक्यू करने की जगह, और भी बहुत कुछ यहाँ पर, प्ले एरिया, और यहाँ पे ब्यूटी भी बड़ी मज़ेदार है, आपको यहाँ पे बहुत अट्रैक्शन मिलेगी, और लोग भी ज़्यादा बहुत आते हैं। गाइस बहुत सारी जगह है, आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं, कार पार्किंग है, अगर आपको भूख लगी आप खाना भी खा सकते हैं नीचे जाके। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्लाइड है, मैं भी आपको वो दिखाता हूँ, बहुत बड़ी स्लाइड। गाइस इस स्लाइड की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं, जाते हैं और घूमते हैं, बहुत कुछ करते हैं। ये यहाँ पे बड़ों के लिए स्लाइड है, छोटे भी बैठ सकते हैं और छोटे बच्चे भी बैठ सकते हैं, बहुत कुछ बैठ सकते हैं, लेडीज़ हर चीज़ के लिए, हर उम्र के लिए ये स्लाइड है। मैं भी यहाँ से अभी नीचे जाने वाला हूँ।
अच्छा है तो अभी हम यार घूम सकते हैं, खा सकते हैं, यहाँ पे धूप अच्छी आ रही है और फोटोग्राफी के लिए अच्छी जगह। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बात की थी कैफेटेरिया की, खाने पीने की जगह यहाँ कैफेटेरिया है, वो यहाँ पे कैफेटेरिया है, आप जा सकते हो उधर अगर आपको भूख लगी, आप खा सकते हो, पी सकते हो और बहुत कुछ कर सकते। यहाँ पे कैफेटेरिया है, आप यहाँ पे बैठ के खा और यहाँ से ले सकते हैं, और मेरे पीछे यहाँ पे आप टेबल्स लगी हैं, आप यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं। गाइस, यहाँ पे पार्किंग पॉइंट है, आप यहाँ पर रहेंगे तो आपको यहाँ पर पार्क करनी पड़ेगी गाड़ी, और यहाँ पे आपसे थोड़े से चार्जेस भी ली जाएंगे, 20-30 रुपये में, मुझे नहीं पता कितने के हैं, पर हमने अपनी गाड़ी यहीं पर पार्क कर दी है। गाइस, असल में यहाँ पर दो पार्किंग्स है, मैं एक को बताना भूल गया था, एक नीचे भी है और एक ऊपर है, वहाँ पर एक ऊपर पार्किंग है और एक यहाँ नीचे पार्किंग है, हमने यहाँ पे नीचे पार्क की है। और यहाँ पे ये एंट्री है, ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ पर आपकी जब आएंगे तो ये आपकी एंट्री होगी, और हमने अपनी गाड़ी यहीं पर खड़ी की है। गाइज, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। और उससे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये रोड है, ये ऊपर आती है, और यहाँ से जो मैंने आपको एंट्री दिखाई, ये वहाँ से एंटर होती है। तो आज के लिए इतना ही।